और जो अपने الرحمن الرحيم إبراهيم إنك حميد وعلى آل إبراهيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة शुक्रमन ते कबहू ना टरो ना डरो अरसों जब जाए लरो निश्चय कर अपनी जीत करो और सिखो अपने ही मन को ए लालच होगुण तो चरो जब आग की औद निधान बने अत हिरण में तब जूझ मरो जब आग की औद निधान बने अत हिरण में तब जूझ मरो गगन दमामा बाजियो परियो निशाने कहाओ गे खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को दाओ सूरा सो पहचानी है जो लरा दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरै कभू ना छाडे खेत पुरजा पुरजा कट मरै कभू ना छाडे खेत जो तो प्रेम खेलन का चाओ सिर तर तली गली मरी आओ इत मार्ग पै त्रिजै सिर दीजै कान ना कीजै सिर दीजै कान ना कीजै दोए कर जोड़ करूं नौसेना दिवस समारोह में हार्दिक स्वागत को अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है आज का यह गौरवशाली दिन शौर्य समर्पण बलिदान और वीरता का प्रतीक है। यह उन सूरवीरों की देन है जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर नौसेना के अस्तित्व को मिटने नहीं दिया। इसलिए यह अति आवश्यक है कि हम उन सूरवीरों के बलिदानों को याद करें जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। अगर एक नजर नौसेना के इतिहास पर डालें तो यहाँ का इतिहास वीरगाथाओं से भरा पड़ा है। उसी वीरता का प्रत्यक्ष उदाहरण है नायक जदुनाथ सिंह। सन 1947-48 के भारत पाक युद्ध के दौरान दुश्मन ने जम्मू पुंछ सड़क को अपना लक्ष्य बनाया जिसको हासिल करने के लिए नौसेना पर दुश्मन का कब्जा जरूरी था। ताइंधार पर निरंतर भारतीय प्रभुत्व नौसेना की सुरक्षा के लिए अनिवार्य था जहां नायक जदुनाथ सिंह और उनके सेक्शन को तैनात किया गया। 6 फरवरी 1948 को दुश्मन ने सैकड़ों की तादाद में ताइंधार पर शक्तिशाली हमला बोल दिया परंतु नायक जदुनाथ सिंह के नेतृत्व में उनके सेक्शन ने दुश्मन को शक्तिशाली हमलों को अपने उत्तम रणकौशल और असाधारण शौर्य से विफल कर दिया। ऐसा करने में सेक्शन के सभी जवान हताहत हो गए और दुश्मन को इस आक्रमण में इतना भारी नुकसान पहुंचा कि वह पूरी तरह से तितर बितर हो गया। परंतु नौसेना पर कब्जा किए बिना दुश्मन अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता था। इसलिए बौखलाए दुश्मन ने एक बार पुनः पूरी शक्ति जुटाई और तीसरी बार आक्रमण किया। दुश्मन को आगे बढ़ता देख नायक जदुनाथ सिंह अकेले ही अपनी स्टैंडर लेकर दुश्मन पर टूट पड़े। नायक जदुनाथ सिंह के विकराल रूप को देखकर दुश्मन डर से सहमा उल्टे पांव भाग खड़ा हुआ। शौर्य की इस मिसाल को कायम करने में नायक जदुनाथ सिंह के सिर और सीने में 2 गोलियां लगी और वे वीरगति को प्राप्त हुई। सीपी नायक सूबेदार मुख्तियार सिंह जहां निशहरा का रहने वाला हूं ननिहाल का और जे जो निशहरा के बीच हर साल की तरह जो आर्मी डे बनाया जाता है इस मैं सब एक्स मैनों को और ये सूचित करना चाहता हूँ कि कम से जहाँ पे आए और नायक पनवीर चक्र नायक जादव दास जी के उपाध्यक्ष में शामिल हुए और मैं डिप्टी कमांडर साहब सबको धन्यवाद करना चाहता हूं कि एक्समैन को जहां पे बुलाया जाता है और उनकी अच्छे स्थिति में देखभाल की जाती है और ये जो नौशहरा डे बनाया जाता है हर साल पहले तो जहां पे मेला भी चलता था लेकिन आज शॉर्ट काम सलामी
दी जाती है। मैं धन्यवाद करता हूँ पूरे ब्रिगेड 80 ब्रिगेड का, जिन्होंने जहाँ पे परमवीर चक्र नायक जादव जी को हर साल सलामी दी जाती है। धन्यवाद। अफजल निशहरा ध्वज जो है वो नायक जादव सिंह जो थे, जिन्होंने कवालियों से लोहा लेते हुए उनके साथ लड़ते लड़ते यहाँ पे निशहरा में वो शहीदी प्रदान होगी उनको, जिसकी उसकी उनकी 6 फरवरी को उनकी याद में यहाँ पे निशहरा ध्वज मनाया जाता है। और यहाँ पे आर्मी या ब्रिगेड है, यहाँ पे निशहरा पे आर्मी वाले भी उनकी याद में 6 फरवरी को उनकी श्रद्धांजलि पेश करते हैं, और निशहरा वासी सारे उसमें शामिल होते हैं कि निशहरा के आज दिन तक उनकी याद में हर साल जो है उनकी श्रद्धांजलि पेश की जाती है। नायक यादवनाथ सिंह जी को कभी भी निशहरा वासी नहीं भूल सकते हैं, उनकी जो बलिदान दिया हुआ उसको हम कभी नहीं भूल सकते। आज तक हम उनको याद करते हैं और करते रहेंगे। नायक यादवनाथ जी को निशहरा का शेर भी कहा जाता है, कि घायल होने के बाद भी उन्होंने दुश्मनों से लोहा लिया और लड़ते रहे, लड़ते लड़ते दुश्मनों को भगा के उन्होंने उनकी आखिरी सांस जो दुश्मनों से लड़ते हुए दुश्मनों को यह निशहरा की सरजमी से भगा के उन्होंने अपना दम दिया था, इसलिए उनको निशहरा का शेर कहा जाता है।